यूपी पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटकर पंचायत चुनाव कराने के साथ ही अप्रैल तक मिल जाएंगे सभी 58,000 ग्राम पंचायतों को नए ग्राम प्रधान और किन किन बदलावों के साथ इस बार पंचायत चुनाव कराने की तैयारी। इन बदलावों से समाज के निचले तबके पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। इसी बीच एक और खबर आ रही है कि भ्रष्टाचार को बख्शने के मूड में नहीं है योगी सरकार, अब ग्राम प्रधानों को आवंटित राशि की जांच कराएगी योगी सरकार। तो चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा एंड तक देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन जारी रखा है। इस क्रम में सरकार ने शनिवार को एक और बड़ा फैसला लेते हुए ये साफ कह दिया कि अब प्रधानों के कार्यकाल में आवंटित और आहरित धनराशि की जांच कराई जाएगी। खामियां मिलने पर ग्राम प्रधानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यही नहीं, प्रदेश सरकार ने ग्राम प्रधानों को आवंटित और 25 दिसंबर तक निकाली गई धनराशि से कराए गए कार्यों का भौतिक सत्यापन कराने का निर्णय किया है। 25 दिसंबर यानी शुक्रवार को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो गया। प्रदेश में 58,000 गाँव में अब प्रधान के पद खाली हो गए। इसके बाद शनिवार से ग्राम पंचायत के काम को एडीओ के हवाले सौंप दिया गया है। यही अधिकारी ग्राम पंचायत के विकास के लिए काम करेंगे, साथ ही लोगों की समस्या का निवारण भी करेंगे। जानकारी के मुताबिक इस बार यूपी में पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। इसको लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। जिलों पर मतपत्र भेजे जाने लगे हैं। गौरतलब है कि इस बार ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इसी बीच आपको बता दें कि कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव लड़ने वालों के लिए 2 बच्चों और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य होगी। हालांकि पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी का कहना है कि यूपी सरकार ने अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है, इस पर अभी किसी तरह की चर्चा नहीं हुई है, लेकिन ये सब सीएम योगी के संज्ञान में है, उन्हीं को इस पर अभी फैसला लेना है। वीडियो के आखिर में आपको बता दें कि राज्य सरकार की तरफ से पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटकर चुनाव कराए जाने की तैयारी है। क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। पंचायती राज विभाग अगले साल 28 जनवरी से 5 फरवरी के बीच चुनाव के संबंध में संभावित कार्यक्रम देने पर विचार कर रहा है। इसके बाद आयोग अपने हिसाब से पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करेगा। अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य सरकार की मंशा है कि 31 मार्च तक चुनाव कराते हुए पंचायतों का गठन हो जाए, जिससे अप्रैल में होने वाली बोर्ड की परीक्षाओं पर किसी तरह का कोई असर न पड़े। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताज़तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।